Hello people, welcome to my new vlog. I know it's been so long and here I am again in front of you and working for something very exciting and very amazing. I know main bahut kam vlog banati hu, but promise next time so I'm going to work on it aur ye vlog bahut worth it hone wala hai. Main aap logo ko pehle hi bata dun, so show your love, don't forget to subscribe and support my YouTube channel. तो राइट नाउ गाइस आई एम इन दुबई. लास्ट नाइट वी लैंड एंड हमने कुछ नहीं बनाया, बट अब मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दिखाऊं. जहां पर हमने स्टे किया है वो है इबीज बर्षा, उसका भी हम आपको पूरा टूर कराएंगे. राइट नाउ आज जो हमारे शेड्यूल में शामिल है वो है मॉल ऑफ एमिरेट्स एंड उसके बाद देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं और क्या क्या हो सकता है. जो मेरे रूम से नज़ारा है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ये इनके आई गेस कोई दुबई मेट्रो है, बाकी ये इनका मेन बर्षा रोड है विच इज ग्रेट. सुबह सुबह आपको काफी एक्टिविटी नजर आ रही है. एनीवे गाइस लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड बिकॉज 2 बज गए हैं और मैंने तैयार होने में बहुत टाइम लगाया एंड यू गाइस कैन सी माय आउटफिट. वैसे इसमें तो नजर नहीं आएगा बट आई विल शो यू लेटर एलिगेटर. तो रूम से हम बाहर आ गए हैं और ये कुछ down. My brother is with me saying Saqib, say hi to my viewers please. Hello. Okay, so this is some, you know, restaurant of Indian food and then सो गाइस ये हमारे होटल की लॉबी एंड आई रियली लाइक द लॉबी बिकॉज काफ़ी क्यूट और अच्छे स्पेसेस बनाए हुए हैं इन्होंने. रूम से ज़्यादा लॉबी में मुझे मज़ा आया और मैंने मज़े किए, पिक्चर्स लिए और इन तरह के व्यूज़ इन्जॉय किए. आइबिस बर्षा में हमने स्टे किया है, कुछ हमने इसके 1200 से 1500 दरम पे किए हैं. सो गाइज दिस इज़ अ मेन गेट ऑफ आर होटल और अब हम यहाँ से कुछ चक्कर में हैं कि टैक्सी पकड़ लें क्योंकि हमें जाना है मॉल ऑफ एमिरेट्स. हम टैक्सी पकड़ने वाले हैं एंड देन उसके बाद टैक्सी हो हम देन कहाँ जाएं? मॉल ऑफ एमिरेट्स. यस सो वी आर वेटिंग फॉर टैक्सी. चार्ज 30 दिरहम. नो 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 टू मच. और चल टैक्सी. गाइस ये मैं थोड़ा स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे, होटल टैक्सी है बट हमारे मॉल ऑफ एमिरेट्स. तो हमारे दोस्त ने हमें बता दिया था इतने में तुम्हें टैक्सी मिलेगी मॉल ऑफ एमिरेट्स की. तो अभी हम वेट कर रहे हैं. 15 दिरहम की मिलेगी हमें इबीज से. बट 30 बोल रहे थे, मतलब ये हमें थोड़ा डबल चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे. सो गाइस होटल टैक्सी ड्राइवर तो हमें डबल चार्ज करने की कोशिश कर रहा था. हमने सोचा कि हम थोड़ी वॉक करते हैं बिकॉज सब कुछ आसपास ही है. मीनवाइल जब तक हमारा इंटरनेट कनेक्ट होगा हम यूबर और करीम करने की कोशिश करेंगे बिकॉज यूबर और करीम यहाँ पर रीज़नेबल है. अदरवाइज़ होटल टैक्सी आपको एक्स्ट्रा चार्ज करती है. Thank you.
एक दिन गुजर गया, हमने सिम नहीं खरीदी, दैट्स व्हाई हमारा नेट भी नहीं चल रहा है। बट यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर फ्री वाईफाई। सो अभी हम शेख शेख पे जाने वाले हैं एंड देन बेसिकली इज शेख शैक, या तो हम वहाँ जाने वाले हैं एंड देन फिर जाकर वहाँ से वाईफाई कनेक्ट करते हैं एंड देन मॉल ऑफ एमिरेट्स के लिए टैक्सी बुक करते हैं या यूबर या करीम एंड देन विल सी के फिर आगे हम कहाँ पहुँचते हैं। सो गाइस फाइनली वॉक करते करते तो हम शेख शैक पर आ गए हैं। यहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे, मीनवाइल विल बुक टैक्सी फॉर अस एंड देन इसके बाद हम जाएंगे मॉल ऑफ एमिरेट्स। मॉल ऑफ एमिरेट्स में क्या क्या हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। गाइस हमने शेख शैक पर बर्गर खा लिया, कॉफ़ी एंड ऑरेंज जूस, ये सब कुछ हमें 55 दरम का पड़ा। अभी तक हमें टैक्सी नहीं मिली है, हमने करीम भी कोशिश की है बिकॉज यहाँ पे वाईफाई का थोड़ा इशू हो रहा है, कभी आ रहा है जा रहा है और सिम हमारे पास नहीं है इसलिए हमारा डेटा भी नहीं चल रहा है। सो वी आर गोइंग टू लुकिंग फॉर अ टैक्सी। सो लेट्स सी मॉल ऑफ एमिरेट्स में आपसे मुलाकात करते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग टैक्सी पे बैठ गए हैं और पाकिस्तानियों को फुल लूटने का प्लान यहाँ पर चल रहा है। जो असल यहाँ का मॉल ऑफ एमिरेट का डिस्टेंस है वो 15 टू 20 मिनट्स है और जो इसके असल प्राइस है वो 15 दरम है, बट ये लोग डबल लेते हैं। या बट दे आर चार्जिंग अस डबल। इनको उर्दू भी ज़्यादातर लोग यहाँ पर आती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो मिक्स कल्चर में रह रहे हैं, फिलिपिनो भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सारे यू नो एशियन यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे। खैर एनी वे, सो वी आर गोइंग टू मॉल ऑफ एमिरेट्स एंड देन उसके बाद हम दिखाएंगे कि मॉल ऑफ एमिरेट्स कैसा है। सो सी यू सून। में आ गए हैं, काफ़ी यूज मॉल है, थोड़ा सा भटक भी गए थे। सीन कैसा है यहाँ पर ये आपको हम आएंगे। इसमें घूम रहे हैं, बहुत बड़ा मॉल है। अभी मेरे पीछे जो है वो स्की रिजॉर्ट है जिसके लिए इन्होंने काफी सेल वगैरह लगाए हुए बिकॉज इट्स अ विंटर सीजन। हम अभी देखते हैं कि हमें क्या क्या एक्सप्लोर करना है जैसे जैसे जाते जाएंगे। बहुत सारे आउटलेट्स बने हुए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं अच्छे अच्छे खाने के। सो विल सी और अब देखेंगे कि क्या है क्या है। आइए आपको अपने साथ ये चिद्या और घुमाते हैं कि दुबई में क्या है और मॉल है।
से घूम रहे हैं। मजे की बात यह है कि पूरा मॉल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफी अच्छी चीजें भी हमें मिली हैं। और मेरे पीछे जितने भी देख रहे हैं आप, बड़े बड़े ब्रांड हैं। गाइस हमारी तो बस हो गई है, लेकिन मॉल इतना बड़ा है कि आप एक दिन में तो नहीं घूम सकते। इतने स्टोर्स हैं, इतने कैफे हैं, इतने रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि बहुत मज़ा आ रहा है। और बहुत सारे स्टोर्स हैं, हमने एक्सप्लोर किया, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी किए, बट राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग। और इतना बड़ा दुबई का मॉल है, जैसे जैसे हम आपको होता जा रहा है दिखा रहे हैं कि आप क्या एक्सप्लोर कर सकते। कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं और कुछ ज़्यादा यू नो कुछ चीज़ें नॉर्मल वे पे भी हैं। तो आपको हर तरह का स्टोर मिल जाएगा, ब्रांडेड से ब्रांडेड भी और नॉर्मल भी, विच इज़ वेरी गुड। आ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। आई थिंक हमारा आज का पूरा दिन तो इसी में चला जाएगा। ऐसा नहीं है, अभी ये ब्लॉग सिर्फ मॉल ऑफ एमिरेट्स के हवाले से था। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिफरेंट दुबई की चीज़ें जो हम एक्सप्लोर कराते रहेंगे। खैर राइट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड होम। जितना हमने आपको मॉल ऑफ एमिरेट्स दिखा सकते थे दिखाया, इट्स वर्थ विजिटिंग। आई थिंक सबको आना चाहिए बिकॉज ये दुबई की एक बहुत मेन अट्रैक्शन है और आई थिंक ये दुबई का सेकेंड बिगेस्ट मॉल है। So come visit here whenever you come to Dubai. Wallah, come to Dubai. Anyway guys, pack up from this vlog. See you in next vlog. Tab tak ke liye aap log apna khayal rakhiye and don't forget to subscribe my YouTube channel. Khuda hafiz.